hello friends you're welcome in my channel preparation for future and today is topic exercise page 78 for 10th class question 5 draw the electron dot structure for ethanoic acid and this formula is CH3COOH COH group present in the ethanoic acid and two carbon atom present and एक डॉट स्ट्रक्चर कार्बन हैज फोर वैलेंसीज इलेक्ट्रॉन और एक कार्बन के दूसरे आइटम से शेयरिंग करते हैं और ये कार्बन अपने टू इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर करता है और ऑक्सीजन के जो आउटर सेल में सिक्स इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और इस हाइड्रोजन के पास भी आउटर सेल में वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है देन अब क्या करेगा ये जो हाइड्रोजन है एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के एटम से गेन करेगा और अपने आप को स्टेबल करेगा सेम इसी तरीके से ये हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से गेन करेगा और अपने को स्टेबल करेगा ये हाइड्रोजन एक कार्बन एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से गेन करेगा और अपने को स्टेबल करेगा सेम इसी तरीके से ये हाइड्रोजन के अपने जो इलेक्ट्रॉन वो कंप्लीट है अभी इस वाले कार्बन के पास में भी फोर इलेक्ट्रॉन है आउटर सैल में तो ये ऑक्सीजन के पास कितने है सिक्स और इसको टू इलेक्ट्रॉन और गेन करने हैं तो एक कार्बन से टू इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा और अपने एट इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेगा सेम इस ऑक्सीजन के पास में सिक्स इलेक्ट्रॉन तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा ये हाइड्रोजन एटम के साथ और एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा कार्बन एटम के साथ और अपने इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करेगा अभी इस कार्बन के पास फोर इलेक्ट्रॉन है इसे फोर और गेन करने हैं अपने कंप्लीट करने के लिए तो टू इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ में शेयरिंग करेगा वन इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा और वन इलेक्ट्रॉन इस कार्बन आइटम के साथ शेयर करेगा करेगा और अपने इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट अभी इस कार्बन के पास में फोर हैं। ये तीन हाइड्रोजन आइटम के साथ शेयर करेगा और वन इस कार्बन आइटम के साथ शेयर करेगा और अपने एट इलेक्ट्रॉन इस तरीके से कंप्लीट करेगा तो ये होगी इथेनोइक एसिड की स्ट्रक्चर इस इसमें क्या होगा जो कार्बन है उसके पास में तीन कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे हाइड्रोजन के साथ और एक बनेगा इस कार्बन के साथ और ये डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ और एक सिंगल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ और ये ऑक्सीजन एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन एटम के साथ तो ये इसकी स्ट्रक्चर होगी और ये है इसकी डॉट स्ट्रक्चर इथेनोइक एसिड की एंड बी हाइड्रोजन सल्फाइड जो सल्फर है उसके आउटर सेल में होते हैं सिक्स इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट और हाइड्रोजन के टू एटम लिंक है जो हाइड्रोजन है उसके आउटर सेल में होते हैं वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट तो हाइड्रोजन को अपने टू इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं तो हा सल्फर के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा और सेम ये वाला हाइड्रोजन भी सल्फर के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेगा और अपने टू इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा एंड सल्फर के पास सिक्स है उसको एट कंप्लीट करने हैं तो वो एक हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन लेगा और एक हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा और अपने एट इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीट कर लेगा ये है एस टू एस की डॉट स्ट्रक्चर इन प्रोपेनोन में क्या है कि थ्री कार्बन एटम प्रेजेंट है एंड वन कीटोन ग्रुप प्रेजेंट इन प्रोपेन सेल में फोर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन के आउटर सेल में वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट और ऑक्सीजन के आउटर सेल में होते हैं सिक्स इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट और हाइड्रोजन के आउटर सेल में वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हाइड्रोजन के अपने आउटर सेल में टू इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं तो ये वन इलेक्ट्रॉन कार्बन एटम से गेन करेगा और अपने टू इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर लेगा सेम इसी तरीके से ये हाइड्रोजन एटम भी वन वन इलेक्ट्रॉन कार्बन एटम से गेन करेंगे और अपने टू इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेंगे ऑक्सीजन के पास सिक्स इलेक्ट्रॉन है और इसको एट कंप्लीट करने तो ये टू इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम से गेन करेगा और अपने एट इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेगा। अभी इस कार्बन के पास अपने फोर इलेक्ट्रॉन है तो थ्री इन हाइड्रोजन एटम से गेन करेगा और वन इस कार्बन एटम से गेन करेगा और अपने एट इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर लेगा सेम ये कार्बन भी थ्री इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम से गेन करेगा और वन इस कार्बन से और अपने एट इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेगा इस कार्बन के पास भी फोर है तो टू इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से गेन करेगा और वन इस कार्बन से और वन इस कार्बन से इस तरीके से इसके भी अपने एट इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं ये डॉट स्ट्रक्चर है प्रो जो फ्लोराइड है एफ टू उसमें क्या है जो फ्लोरीन है उसके आउटर सेल में सेवन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और इसको अपने एट इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए अपने ही सेम एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी होती है और अपने एट इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेता है सेम इसी तरीके से ये फ्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन की अपने सेम एलिमेंट से गेन करेगा और अपने एट इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर लेगा ये इसके डॉट स्ट्रक्चर इस है एफ टू की